स्ट्रेंज भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। चुनाव का ऐलान होते ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राहुल गांधी ने मुंबई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रैली में मोदी और बीजेपी की शक्ति का बयान दिया, तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना की रैली में करारा हमला किया है। चुनाव प्रचार शुरू होते ही राहुल बनाम मोदी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी का पहला बयान ही धार्मिक रंग ले रहा है। राहुल गांधी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रैली में कहा था कि मोदी शक्ति से विपक्ष को डरा रहे हैं, इस शक्ति की वजह से ही विपक्ष के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। राहुल के मुताबिक वो इस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल की रैली में कहा कि इंडिया गठबंधन शक्ति का विनाश करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता इसे नष्ट करना चाहते हैं। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से डरने लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही राहुल फंस गए हैं। बीजेपी ने इसे धर्म से जोड़कर गरमाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये चुनाव शक्ति के उपासक और शक्ति के विनाशक के बीच है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट से फिर से फटकार लगी है। SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर ना बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ा। अब SBI को गुरुवार 21 मार्च तक पूरी जानकारी देनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि SBI को विवरण का खुलासा करने में सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए जो भी SBI के पास है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। SBI चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए, SBI हमारे आदेश का पालन करे और SBI के चेयरमैन गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दें कि उनके पास जो भी जानकारी थी वो दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसबीआई को फटकार लगाते हुए पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहां है, इसे क्यों नहीं जारी किया गया। स्टेट बैंक ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे पास बॉन्ड नंबर और अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, लेकिन हम आपका पिछला आदेश सही से समझ नहीं पाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 21 मार्च शाम 5 बजे तक अल्फा न्यूमेरिक नंबर समेत सारी जानकारी मुहैया कराएं। इफ द कोर्ट फाइनली allows these petitions about challenge to the electoral bond scheme, then all details may have to be disclosed. And therefore the court then heard the State Bank. State Bank said we had misunderstood. Mr. Salvi appeared for the State Bank. He said we had misunderstood the purport of the order. We thought that the order was only to give those other details about the amount of the bond and the name of the party who encashed it, but not the alphanumeric details. Of course, we have all this data of the alphanumeric numbers of the bonds and we can disclose it. So the court said, all right, they passed an order saying that they must disclose it forthwith. And the chairman of the State Bank is to file an affidavit by Thursday, 21st evening, 5 p.m., saying that he has disclosed all the details, including the alphanumeric numbers. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर में अनियमितता को लेकर ईडी का समन मिला है, लेकिन केजरीवाल ने इस पर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी करार दिया है। केजरीवाल को सोमवार के इस मामले में पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने कहा कि यह समन पूरी तरह से गैर कानूनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है तो बार बार ईडी समन क्यों भेज रही है। ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी को फंड भेजा गया था। फरवरी में ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आपके एक राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की थी। ईडी का ताजा समन सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें डीजेबी अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से 38 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही गई है। केजरीवाल सरकार कह रही है कि कोई नहीं जानता कि डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड में कौन सा केस है और किस बारे में समन भेजा गया है। दिल्ली जल बोर्ड के पहले केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 9 समन मिल चुके हैं, लेकिन वो इसमें पेश नहीं हुए। द श्रेष्ठ भारत शो में आपको बताते हैं दिल्ली की ही एक और खबर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। अब सत्येंद्र जैन को फिर जेल जाना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए वक्त मांगा था, लेकिन अदालत ने ये मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की सेहत ठीक नहीं है, उनकी लगातार फिजियोथेरेपी हो रही है, इसलिए उन्हें सरेंडर करने में समय लग सकता है। अदालत ने इसे खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वो न सिर्फ जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा गया है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले साल से ही अंतरिम जमानत पर थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल उन्हें खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद कई मौकों पर उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया था। सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में वोटिंग की तारीख बदल दी गई है। अब इन दोनों राज्यों में 2 जून को वोटिंग होगी और इनके भी नतीजे 4 जून को ही आएंगे। शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का स्केड्यूल जारी किया था।
लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव होने की घोषणा की गई है, जबकि 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। शनिवार को जारी स्केड्यूल के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने थे, लेकिन अब इन दोनों राज्यों में 2 जून को वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। अरुणाचल और सिक्किम को लोकसभा चुनाव स्केड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।